में विधानसभा उपचुनाव को लेकर उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने निष्पक्ष चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर जगह चेक चाका लगा हुआ है। शाम के समय हिंदुस्तान पुल पर खुसरू बाजार में एक वाहन से 16,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस बात की जानकारी सहायक तकनीकी प्रबंधक प्रतिनियुक्त SST दंड अधिकारी पिंटू कुमार राजवंशी ने दी है। उन्होंने बताया कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट जी वाहन में 16,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गाड़ी में 24 वर्षीय अमित कुमार महतो नामक व्यक्ति सवार था। अमित महतो अपने आप को श्रीना मार हिताची लिमिटेड का कर्मचारी बताता है और कड़ी पूछताछ के बाद उसका कहना है कि वह यह पैसे SBI के बैंक में जमा करने जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने पैसे को बरामद कर लिया है और पैसे की जांच जारी है। यह वही चेक नाका है दोनों का, यहाँ की उपचुनाव होने वाले हैं और ये मुख्य सड़क जो कि बोकारो की सवारी है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि कल 16,25,000 रुपये इसी चेक नाका पर पकड़ा गया था और हमारे ये बहादुर जवान उसे पकड़े हैं। आज मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि कैसे इन्होंने चेक किया, कौन सी गाड़ी थी और कैसे वो पकड़ाए हैं। तो ये आपके सामने मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सर, ये वही हिंदुस्तान पुल है जहाँ की आप लोगों ने कल एक वाहन से, वाहन में जो सवार थे उनका नाम शायद अमित महतो 16,25,000 रुपया आप लोगों ने पकड़ा है। जी, कितने बजे की घटना है ये? 1:05 का है, 1:05 का है, दोपहर में, रात में, दोपहर का, दोपहर समय था। जी, वो आ रहे थे जेना में से SBI जमा करने बैंक में। जी, पैसा जमा करने के आ रहे थे वो। उसके बाद इससे हम रोके गाड़ी को, गाड़ी को रोके तो देख के देखे कि बहुत पैसा उसमें है। पूछने के बाद बोला कि हम लिमिटेड कंपनी का पैसा लेके जमा करते हैं फिर बैंक में। उनसे हम पूछे कि दिखाइए, इनका रिसीविंग दिखाइए, क्या क्या डाटा इसको दिखाइए आप। बोला दिखाया बेचारा, दिखाया उस पर भी दिखाया। दिखाने के बाद बोला कि सर तो अभी मेरे पास इसका तो प्रूफ दे नहीं सकेंगे पैसा का। पैसा का प्रूफ तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन आपका हमको बाकी हमको दिखा दिए थे, इंश्योरेंस का और इनकम टैक्स का जो उनका कटता है सालाना पैसा, वो सब दिखाए थे हमको। और कुछ नहीं, लेकिन इनकम टैक्स कटना और ये वो तो सबका कटता है, लेकिन 16,25,000 रुपया एक साथ वाहन पर ले जाना ये समझ में नहीं आया। ये करना है सर, देखिए कंपनी कंपनी का था पैसा, वो दे के जा रहे थे बैंक में जमा करने। उनसे पूछताछ पूरा हुआ, पूछताछ के बाद उनके सर आए हैं, कंपनी के जो मैनेजर जो रहते हैं वो आए हैं। वो बोले कि कंपनी का पैसा है, हम लोग डिपोज करते हैं, बराबर पैसा हम लोग SBI में जमा करते हैं। मेरा ब्रांच बहुत जगह हम लोग का है। ये बोले जेनामुर भी मेरा ब्रांच एक है, SBI खुसरो में भी मेरा ब्रांच है, और मतलब हर तरह का बात भी बोला कि मेरा 17 रुपये का रोज का डिपो, इतना रोज का हम लोग ट्रांसलेशन होते रहता है मेरा। यानी वो पैसा कहीं नेताओं के सेवा में नहीं जा रहा? नहीं, नहीं, पैसा नेताजी का सेवा में किसी कोई नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। ये अपना पूरा डाटा दिखाए थे हमको, मतलब वो पैसा एक नंबर था पैसा। इलेक्शन के लिए दुरुपयोग उसका नहीं हो रहा था। नहीं, इलेक्शन के लिए दुरुपयोग नहीं हो रहा था पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत जगह चैनल पर और बहुत न्यूज़पेपर में चल चुका है सिर्फ एक पहलू, लेकिन मैं दोनों पहलू को ले रहा हूँ, इसीलिए मैं खास करके आपका बयान लेने के लिए आया था सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका सर? पिंटू कुमार राजवंशी। जी, पिंटू कुमार। आपका शुभ नाम क्या हुआ? यहाँ पर कल तक तो चेक नाका नहीं था, चेक नाका लगातार बहुत आज से चलते आ रहा है। करियर के कारण हम लोग प्रॉब्लम हो रहा था गाड़ी रोकने में, अब सब ठीक है। हाँ, तो कल अब लगातार।
अच्छा चलेगा। ये कब तक चलेगा? ये 3 तारीख तक चलेगा, जब तक इलेक्शन नहीं खत्म हो जाता। यहाँ कोई कठिनाई भी आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, हम लोग सिखवाई है और हम लोग सिखा है। यदि आप लोग किसी को पकड़ते होंगे तो उनका पहले भी आते होंगे छोड़ने के लिए? नहीं, अभी तो ऐसा पैरी वगैरह नहीं आ रहा है। इधर 24 घंटे के अंदर कुछ अवैध लगता 24 घंटे के अंदर कुछ अवैध चीज़ जैसे शराब असलहे या कुछ शराब की छापामारी हुई थी तो कुछ पकड़ा गया है शराब और गाँव में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही निष्ठा से ड्यूटी निभाते रहें। जनपद की कानून व्यवस्था को कानून व्यवस्था के सुदृढ़ बनाने के लिए